तो कैसे मेरे भाई लोग, आज आज Redmi Note 6 Pro में 11 MIUI की अपडेट आ गई है, जो आप देख सकते हो मेरे नोटिफिकेशन में। तो मेरे पास अभी चल रहा है 10 और अब मैंने अपडेट चेक किया तो 11 आ चुका है। ये है 669 MB का। तो ये मैंने स्क्रीनशॉट इसीलिए है क्योंकि मेरे को इसका थंबनेल बनाना है। तो आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा आ गया, क्योंकि उन्होंने कमिट किया था दिसंबर शुरू में देंगे, बट ये जनवरी शुरुआत में आया, दिसंबर एंड में, तो मतलब कल आया है। तो मैंने इसको अपडेट करना है अभी, तो कौन कौन से नए फीचर हैं मैं आपको आगे अपडेट में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दूं कि जो पुराने वाला UI था उसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या चीज़ें हैं, पुराने वाले में आपको जो मैं आपको दिखाता हूँ, स्टोरेज वगैरह, मतलब अबाउट फ़ोन में जाके आप चेक कर सकते हो क्या चीज़ है। मेरा फ़ोन भी देख सकते हो, Redmi Note 6 Pro है, ठीक है। एंड आप अगर मैंने डाउनलोडिंग लगा दी है, लेकिन डाउनलोडिंग थोड़ी लंबी है, ये वाईफाई के थ्रू ही होगी, पता नहीं वो वाईफाई में कब जाऊँगा, मैं देखता हूँ, मैं वाईफाई में डाउनलोड करके फिर आपको बताता हूँ। अभी मैं आ गया हूँ बैक, तो ये आप देख सकते हो पीछे का हिस्सा ऐप्स का ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। ये मेरा मूवीज़ के लिए मैं ऐप यूज़ करता हूँ, शायद आपको भी पता होगा। तो ऐप्स का पीछे का हिस्सा आप देख सकते हो ट्रांसपेरेंट है MIUI 10 में, और 11 में थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। ये देख सकते हो ना पीछे की तरह। तो अभी आपको ये देखो स्टोरेज वगैरह बाहर मिल जाती थी, एडिशनल सेटिंग्स बाहर मिल जाती थी, ठीक है। लेकिन जो नया MIUI 11 है उसमें आपको ये चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। अभी मैं अपडेट कर लूँ, देन अपडेट करने के बाद मैं फिर से आपके पास आता हूँ और आपको बताता हूँ कौन कौन से नए फीचर हैं, मतलब माइंड ब्लोइंग फीचर्स हैं जो आए हैं। डार्क मोड भी आ गया उसमें, MI शेयरिंग भी आ गया है, और ग्रे स्केल करके एक इसी फ़ोन में है, मतलब सभी फ़ोन में होता है, जो बैटरी बैकअप के लिए बनाया गया है एक्चुअल में, जो अच्छी चीज़ें दी हैं। चलिए मिलते हैं आफ्टर अपडेट मैं आता हूँ। तो भाइयों मैं अब आ गया हूँ आफ्टर अपडेट के ऊपर, तो आपको इसके लिए कुछ मैं चीज़ें बता देता हूँ। पहला है डार्क मोड, जो आपने देख ही लिया होगा, ठीक है। और उसके बाद पहले हम स्टोरेज ढूंढ लेते थे बाहर, मतलब यहाँ पे बाहर होती थी स्टोरेज फ़ोन की चेक करने के लिए, अब वो वहाँ पे आपको बाहर ऑप्शंस में नहीं मिलेगी, आपको जाना पड़ेगा अबाउट फ़ोन में। ये रही आपकी स्टोरेज, यहाँ पे आप कैसे डाटा क्लियर करते हो, मतलब फ़ोन की स्टोरेज जानते हो कितनी है, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट है इसमें, ठीक है। ऑल स्पेस के ऊपर आ गया, ये पूरी फ़ोन की जानकारी है भी कौन सा फ़ोन है, मेरा Redmi Note 6 Pro है, आप देख सकते हो, ठीक है। और बैकअप एंड रीसेट भी यहीं पे आ गया, MI मूवर भी यहीं पे आ गया है। MI मूवर MI के फ़ोन से ही चलता है, जैसे ब्लूटूथ चलती है ऐसे आप सॉफ्टवेयर या फोन वगैरह मूव। ये एक नई चीज़ डाली है इन्होंने, कनेक्टिंग एंड शेयरिंग, ठीक है। इसमें एरोप्लेन मूड डाल रखा है, MI शेयर कास्ट प्रिंटिंग, कास्ट मतलब जो आप TV वगैरह चलाते हो। ब्लूटूथ सेटिंग भी आ गया इसके अंदर, रीसेट, वाईफाई, मोबाइल डाटा, ये सब कुछ इसमें आ गया, ठीक है, जो जो मैं चला रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद लॉक स्क्रीन, ये चीज़ें हैं कुछ, इन्होंने वॉलपेपर कर्सल वगैरह है वो नया डाला हुआ है इसमें, और पासवर्ड सिक्योरिटी नीड टू नदर सेटिंग में डाल दिया। अब बाहर नहीं मिलेगा आपको ये चीज़ें, सॉरी। और आगे आपको पासवर्ड और सिक्योरिटी में, आप जो फ़ोन के पासवर्ड्स लगाते हैं, ठीक है, वो जो था वो ऐप पासवर्ड समय आते हैं। डिजिटल वेलबीइंग, इसमें ये आता है कि आपने कितना फ़ोन चलाया है, मतलब फ़ोन का जो आप कितनी कौन सी ऐप हैं, कितना टाइम चलाई है, वो आ जाती हैं कि कितना डाटा आपने यूज़ किया है, और कितनी बार कौन सी ऐपें आपने अनलॉक की है, नोटिफिकेशन कितनी ऐप्स के आए हैं, मतलब सब कुछ आता है। ये शो आई बुक ये आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए, ये गूगल के साथ अटैच है, ये सिक्योरिटी, ठीक है।
और नई चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ जो नोटिफिकेशन बार में है। अच्छा, तो अगर आप व्हाट्सएप खोलोगे ना, पहले आप बताता हूँ नोटिफिकेशन बार में क्या क्या नई चीज़ें हैं। प्लस पहली तो बात है ये कि आपको ये एडिट में जाना है, एडिट लिखा हुआ है ना, इसमें आपको नीचे DND के साथ ना एक डार्क मोड आएगा, एक ग्रे स्केल आएगा, ये दो ऑप्शन होंगे, और एक आएगा तीसरा MI मूवर। ठीक है, MI मूवर जो है वो ब्लूटूथ की तरह वर्क करता है, लेकिन वो थ्रू वाईफाई के, MI शेयर, सॉरी MI शेयर मतलब थ्रू वाईफाई के थ्रू वो करता है, आपका डाटा ट्रांसफ़र करता है। और कास्ट सेटिंग है वो मेरे ख्याल से पीछे भी थी। अब ऐसे ऐप को उठा के ऐसे रख लेना, ठीक है, तो आपको ये अच्छा लगेगा। मतलब अब ये है, मैं इसको यहाँ पर डन कर देता हूँ। अब बताता हूँ ये डार्क मोड, अब मैंने ये ऑफ़ कर दिया, ये देखिए अब ये डार्क मोड ऑफ हो गया ना, तो ये देखिए ठीक है। इधर मैं अगर आपकी एक और चीज़ बताऊँ, एक जो ये ग्रे स्केल है इसका क्या फ़ायदा है, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, आपके पास बैटरी बिल्कुल कम है, मतलब 15-20% है, 25% है, और आपको तकरीबन 2-3 घंटे लगेंगे कि आपको कहीं चार्जिंग पॉइंट या फ़ोन को चार्ज करने के लिए, तो आप इस ऑप्शन को अगर ऑन करोगे ना, तो आपका पूरा फुल एंड ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपकी बैटरी ज़्यादा टाइम निकालेगी, तकरीबन 1-1.5 घंटे का फ़र्क पड़ जाएगा नॉर्मल बैकअप से ऊपर। आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि पहले हमें जाना पड़ता था डेवलपर ऑप्शन में जाके, पहले इसको अनेबल करना पड़ता था। अगर अब ये अच्छी चीज़ है कि उन्होंने ये चीज़ बाहर दे दी है। अब मैं इसको ऑफ़ करता हूँ, अब मैं डार्क मोड चला के एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये मैंने डार्क मोड ऑन कर दिया, ठीक है, ये देखिए व्हाट्सएप भी ब्लैक हो जाएगा। ओके, ये देखिए व्हाट्सएप भी ब्लैक में आएगा, पहले ग्रीन में आता था। ये एक अच्छी चीज़ लगी मेरे को, ठीक है। ये क्या है, ये आइकॉन आ गया है, वो ये था कि अब शो आइकॉन इन ऐप्स, ऐप्स में आइकॉन आ गया है उस चीज़ का। जब आप इसको ऑन करोगे तो डायरेक्ट शॉर्टकट है, मतलब ऐप आइकॉन शॉर्टकट, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी कौन कौन सी ऐप आपने यूज़ की है, या किसी ने कौन कौन सी ऐप कितना टाइम खोली है। फोकस मोड है, कितना टाइम चलानी कितना टाइम नहीं चलानी। ओके, तो ये इसमें थोड़ी सी अच्छी चीज़ें दी हैं इन्होंने MI 11 में, तो आप यूज़ कीजिए, चलाइए, देखिए क्या है। मेरे हिसाब से आपको बेटर एक्सपीरियंस ही मिलेगा, मेरे को डार्क मोड बहुत अच्छा लगा। हो, थैंक यू, शुक्रिया, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना। थैंक यू मेरी यूट्यूब फैमिली। वीडियोस मैं लेट डालता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा काम में ज़्यादा बिजी रहता हूँ। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मेरे को यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। हाँ, मूवीज़ वगैरह डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा, ये मैं दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, मैं मूवीज़ वगैरह सारी यहीं से डाउनलोड करता हूँ, सारी पता चल जाता है कौन कौन सी मूवीज़ आपको चाहिए, मतलब बॉलीवुड हॉलीवुड सब चीज़ें मैं यहीं से डाउनलोड करता हूँ। ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, हर एक चीज़ यहीं पे आ जाती है, ये आपको भी पता होगा शायद, लेकिन ये अच्छी चीज़ है, आप ये यहाँ से आप मूवीज़ वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू, शुक्रिया, शुक्रिया फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, थैंक यू सो मच।